अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजी फैमिली में आपको एक बार फिर वेलकम। गाइस आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है एयू कैटर्स। सही है, इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी एयू कैटर्स की, बहुत पसंद करी आपने। सही है ना, तो एक बार फिर नसीम को रशीद साहब की कॉल आई कि आप हमारा एक और प्रोग्राम जो है व्लॉग करें, तो आज हम वहीं पर आए हुए हैं। सही है ना, तो मसला इनको माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम वीडियो से मिले, लोगों ने पसंद भी किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, तारीफ़ करी, तो मैंने कहा चले एक और ब्लॉग जो है नसीम कुरैशी साहब का बनाया जाए। तो इसलिए मैं आज जो है गुलमर्ग आया हुआ हूँ। ये आनिया बैंक्यूट है, यहाँ पर इनका प्रोग्राम चल रहा था। मसला ये था कि मैंने वीडियो पिछले साल बनाई थी, तो वो उस हिसाब से उन्होंने पैसे बताए थे, तो इस बार जो है वो जाहिर सी बात है महंगाई हो गई है। एक साल में चिकन के रेट, चीज़ों के रेट बढ़ गए, जिसकी वजह से जो है लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। मैंने कहा यही क्लियर करने के लिए मैंने कहा एक वीडियो आपको और बनाई जाए। सही है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी वीडियो जो है की क्वालिटी ये है कि क्योंकि ये किलो के हिसाब से खाना बनाते हैं, परेट के हिसाब से नहीं, जिसकी वजह से इनका खाना कभी कम नहीं पड़ता, इनका कहना है। सही है, माशाल्लाह बरकत होती है, माशाल्लाह से नेक इंसान है, तबलीगी जमात के हैं, तो माशाल्लाह क्यों नहीं बरकत होगी। तो मैंने कहा चले आज यहाँ का ब्लॉग करें। सही है ना, तो मैं आपकी नसीम कुरैशी साहब की बात कराता हूँ। तो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ एयू कैटर्स के ऑनर नसीम कुरैशी साहब हैं, इनसे आपकी पहले वीडियो में मुलाकात हो चुकी है। सही है ना, तो एक बार फिर हमसे इनसे बात करते हैं कि क्या रेट चल रहा है, क्या हो गया है, क्या महंगाई है, क्या रेट हो गया, आज का क्या मेन्यू है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पहले की वीडियो और अब की वीडियो में क्या फ़र्क है, क्या मेन्यू में, क्या पैसों में क्या फ़र्क हुआ है? पैसों में तो पता है महंगाई जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में चल रही है, महंगा तो पूरा पाकिस्तान में आपको पता है वही, और बहुत तकरीबन हर चीज़ के पैसे डबल हुए, लेकिन हमने अभी तक अपने पैसों में कोई तो बदल नहीं की है। जो हम 650 रुपये परेट में पिछले साल खाना दे रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये परेट में बढ़ा के कोई खाना हम 650 की बजाय 750 रुपये, अभी जो हम खाना बना रहे हैं ये तकरीबन 650 रुपये परेट में खाना है। इसमें बीस की बिरयानी है, कढ़ाई फ्राई है, मलाई टिक्का है, गाड़ी है, जामफान है, और क्या नाम है अपना आइसक्रीम है, सलाद बार है, ये भी आइटम है। तकरीबन ये हम इस टाइम 650 रुपये परेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। महंगाई में आपको पता है कि तकरीबन चिकन ही 550 के ऊपर चल चला जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि कम से कम अपना जो है प्रॉफिट और मार्जिन और प्रॉफिट कम रखते हैं, लेकिन हम बोलते हैं मुस्तकिल काम चलना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो और हमारा भी मुस्तकिल चले। तो इस महंगाई के अंदर हमारे खाने की अभी की गारंटी है, इंशाल्लाह ताला हम अपने अगर 400 हफ्ते खाना बनाएंगे, हम आपको 450 का बनाएंगे, ना हमारे खाने में कमी आएगी, क्वालिटी इंशाल्लाह हम आपको एक नंबर देंगे, और क्वान्टिटी आपको पता है कि आप किसी से भी जाके बनवा लेते हैं, कहीं भी जाएंगे तो वो अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ये गारंटी देते हैं अगर आप खाना बनाएंगे तो हम आपको 50 अफराद का मार्जिन देंगे। और उसके अंदर ये कि ये अभी जो है 650 रुपये परेट वाला खाना हमारा चल रहा है, जब हमारे आसिफ साहब ने आपको वीडियो में दिखाया है। इसके अलावा अगर आप उसके अलावा कोई उसमें कुछ चीज़ें ऐड कराना चाहेंगे तो फिर उसके साथ पैसे उसके मजीद ऐड हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, और हमारी कोशिश ये है कि हम कम पैसों में आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्या है 50 हज़ार से लेकर 500 हज़ार का ये अलावा जितना भी खाना है हमें करेंगे, वो हम आपको इंशाल्लाह ताला आपके पॉइंट पे पहुँचा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन छोटे इवेंट्स के अंदर ये खर्चा ज़्यादा होता है, अगर 100 या 50 हज़ार का तो उसमें मार्जिन नहीं निकलता, और कम से कम 200 अफराद का रेट पे हम इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ उन्हीं पैसों में प्रोवाइड कर देंगे जो हम बोल रहे हैं। 650 वाला है, 750 वाले के अंदर ही सब चीज़ें यही है, उसके अंदर हम एक चंदन कबाब डाल देंगे और कॉफ़ी डाल, दो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे 750 रुपये का रेट। आज का जो आपका इवेंट है ये हमारे YouTube से आपको मिला, तो उनको आपने कुछ क्या कॉम्प्लीमेंट्री दिया हमारे चैनल के दर्शकों से आपने उनको? भाई आज का जो हम ये इवेंट कर रहे हैं ये असल में हमारे पास आए ही जो है वो YouTube से, इनसे दो दिन में हमारी खाली फूड पर बात हुई है, ये किचन पर आए, इन्होंने हमसे जो है साहिद साहब है ये सदर में रहते हैं, इनसे मेरी खाली कोई बात नहीं, उससे पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से मुलाकात हुई है, और इन्होंने मुझसे बहुत मुतमिन हुए, इन्होंने बोला इंशाल्लाह ताला आपसे इवेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने इंशाल्लाह दो दिन में हमारी खाली सारी बात हुई है, दो दिन के अंदर हमारा इंशाल्लाह ताला ये इवेंट को बनाकर इनके पॉइंट पर, तो हमने इनको दिया है 650 रुपये परेट के हिसाब से।
तो ये भी हमारा यूट्यूब से ही है, और यूट्यूब से कोई काम आता है तो ये कामयाबी है। हम कम मार्जिन के अंदर अच्छा काम करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को फायदा हो और लोग कम पैसों में अच्छा खाना पाओ। लोग बड़े बड़े कैटरिंग्स में जाते हैं और वो बोलते हैं जी कि ब्रांडेड है। ब्रांडेड कुछ नहीं होता, ब्रांडेड से पैसे तो ज़्यादा होते हैं पर ब्रांडेड की क्वालिटी क्वान्टिटी में बहुत फर्क होता है। आदमी जो 400 का बनाता है वो 400 का ही बना के देता है, वो खाने भी साथ ले जाता है। हम बोलते हैं आप हम 400 का बनाए, हम आपको 450 का बनाने वाले हैं, और जो खाना बचेगा वो भी हम आपको। अब आज वाले इवेंट्स के अंदर ये साहिद साहब है हमारे, इन्होंने हमसे और अब यहाँ पर मैंने तो दो चीज़ों को ऑर्डर की थी, एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी की और एक आइसक्रीम। इन्होंने बोला जी आप हमें आइसक्रीम दे दो, हमने आइसक्रीम लगाई है। अब यासिन साहब आपको आइसक्रीम से इंशाल्लाह ताला ये भी दिखा देंगे, हमारी सिजीलियन आइसक्रीम हमने बनाई है तो इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, और अपना किचन का एक दफ़ा एड्रेस दे दिए, कोई अगर आपसे मिलना चाहे अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि मैं नीचे दे दूँगा आपका मोबाइल नंबर। फिर भी आप मोबाइल नंबर मेरा है 03-12-81-36-340 और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 03-45-80-76-566। ये मेरा हमारे नाजाबाद में किचन है, आपने जब भी आना हो आप हमें एक दिन पहले कॉल कर लें, जब हम आपसे मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपको और उसका पक्का एड्रेस भी दे देंगे, और इंशाल्लाह ताला जहाँ आप आएंगे नाजाबाद में हम आपको इंशाल्लाह वहाँ से रिसीव करके देंगे। आप किचन पे विजिट करना चाहें जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन पहले बताएंगे क्योंकि मसरूफियत होती है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि जब मुझे कल आना है तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इसका कि अगर हम आपके टाइम निकाल करें इंशाल्लाह तो किचन का भी विजिट करा देंगे, तो किचन में बैठ के आपको नहीं देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत वैक्सी साहब, अल्लाह आपसे कुछ अच्छा है। सब हम किचन की तरफ चलते हैं, किचन सिक्योरिटी बनाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। तो चल अभी हम किचन में, व्यूज देखिए दूध गुलारी गाड़ी कितनी है, क्रीमी देखें आप, ये देखें मैंने आपसे कहा ना ये क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, देखने में कितनी मज़े की लग रही है, फुल क्रीमी हो रही है। अभी इसको टॉपिंग करेंगे, ये देखें आप, अब ये देखें इसमें डाल रहे हैं रबड़ी, माशाल्लाह। व्यूज़ मैं तो आपको प्रिफेयर करूँगा कि आप एक दफ़ा इनसे प्रोग्राम करा के देखें, फिर आप कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि इनका खाना जवाब नहीं है। इसमें जो है ना इसमें हालांकि रबड़ी है, दूध जलाने में रबड़ी डाली भी है, लेकिन उसके बावजूद हम टोपिंग में रबड़ी डाली कस्टमर खाए तो रबड़ी साफ है, जलाने में अगर रबड़ी नहीं होगी तो मज़ा नहीं है। हम ऊपर से रबड़ी डालते दोस्तों बिरयानी मेरी आ गई है, खाना पर खुशबू से रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा थोड़ा भाई बिरयानी तो नसीम कुरैशी साहब से बिरयानी मंगाई है। ये देखिए आप बिरयानी, ठीक है दिखाएं करीब से, देखिए देखिए आप
गोश्त की क्वांटिटी देखें, ये देखें गोश्त देखें आप कैसा हो रहा है, ये देखें आप गोश्त, चावल देखें आप, हम उससे रहा नहीं जा रहा, तो मैं एक बाइट ट्राई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसी बनेगी। बिस्मिल्लाह, मेरी आपको एडवाइस, मेरा गला ख़राब है लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा बिरयानी का, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त, वो कहते हैं ना रस भरी, रसीली होती है लेकिन मैं कहता हूँ रस भरी बिरयानी, रहा नहीं जा रहा। दोस्तों आप वीडियो इंजॉय करें और मैं बिरयानी इंजॉय कर रहा हूँ। देखिए खाली, अब आइए कढ़ाई, कढ़ाई देखिए आप, मसाला देखिए आप, किचन में बिठा के रखा हुआ ना सिंपल चीज़ आपने, हमें फॉलो कर रहा है, रोटी देख कैसे चली हुई, सारे मसाले सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट। गोश्त तक देखिए, देखिए कैसा बना हुआ कच्चा गोश्त, मज़ा आ गया, 10 out of 10। ये उस खाना खाते फारिग होता है, यकीन करें 350 फ्रांस के सब लोगों ने खाना खा लिया, आप बस अंदाज़ा लगाइए कि खाना सबने खा भी लिया, ज़्यादा भी था और दूल्हा वालों को भी जा रहे थे। देखा आपने अभी उस, मैंने आपसे कहा था ना ये क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो खाना पर मज़े कर रहा है, ये देखिए मीठा था पूरा, नसीम कुरैशी साहब कह रहा है कि 100 अफरान मजीद और लिया हो वो भी पूरे हो जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह कैसा रहा प्रोग्राम आपका? बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और सब ने माशाल्लाह तारीफ की कि और हर चीज़ जैसे जैसे कि हमने चाहा था ना वैसे नसीम साहब ने हर चीज़ एक्सपर्ट तरीके से बनाई, बड़ा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा सबको कि भाई ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नसीम साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह वाले बंदे, अल्लाह वाले बंदे, ज़बान वाले बंदे, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। आप कैसे चैनल हमारा कैसे मालूम है? ये हमारा सब्सक्राइबर है, ये बताइए आपको हमारा चैनल कहाँ से आपने? मैं तो रैंडम सर्च कर रहा था, सही है, तो मुझे एक आपकी कोई लास्ट ईयर वाली वीडियो मिली, सही है, जिसको मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब नसीम साहब को मैंने देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, और फिर जिस तरीके से वहाँ पर मेन्यू था जाहिर सी बात है कि वो बड़ा मेन्यू था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसे कॉन्टेक्ट किया, वहाँ से व्हाट्सएप से नंबर निकाल के, तो फिर वो एक दो दिन पहले हमारे किसी साहब से बात हुई, जिस वजह से उनके थ्रू हमने किसी साहब से कॉन्टेक्ट कर लिया, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। अगर नसीम साहब कहते हैं कि हमारे खाने में क्वांटिटी और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ऐसा है? बिल्कुल 100% सही कहते हैं, जबान के पक्के हैं, जैसा बोलते हैं वैसे होता है। आज आपके मेहमान कितने थे तकरीबन? हमारे 400 का प्रोग्राम, 400 का प्रोग्राम तो माशाल्लाह पूरा हो गया, माशाल्लाह सही है, सबने खा लिया खाना, बच भी गया, बच भी गया। जो भी उस नसीम कुरैशी साहब को कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम खाने में नो कम्प्रोमाइज, सही है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी में कम्प्रोमाइज। अच्छा भी अपने दोस्त अपने भाई आसिम जमाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको, सही है, अल्लाह हाफिज़।